इसमें पहला टॉपिक नोट करिएगा, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ सर आपका माइक म्यूट है। अच्छा, पहला टॉपिक नोट करिए, बॉयल्स लॉ। Boyle's law है, it states that the volume of a given mass of a gas it states that the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure, is inversely provided the temperature remains constant, comma, provided the temperature remains constant. Mathematically, V is inversely proportional to P. V is inversely proportional to P, which implies that अगर P इधर multiply हो जाएगा, तो PV PV is directly proportional to 1 बोल दीजिए, और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना होता है तो इस तरफ राइट साइड में कांस्टेंट आ जाता है, इक्वालिटी साइन आ जाएगा, पीवी इज इक्वल टू के, पीवी इज इक्वल टू के। वेयर के इज अ कांस्टेंट, where k is a constant. Where k is a constant. उसके बाद आप ये कहेंगे if P1 and V1 are the initial values of pressure and volume, if P1 and V1 are the initial values of pressure and volume, and P2 and V2 are the final values of P2 and V2 are the final values of pressure and volume. Then according to Boyle's law, P1 V1
is equal to p2 v2. Then according to Boyle's law, p1 v1 is equal to p2 v2. तो Boyle's law ये कहता है कि अगर कभी भी किसी गैस में अगर हम उसका गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो ये नोट करा गया है कि वॉल्यूम एक गिवन मास की अगर उसका कोई भी एक मास ले लेते हैं हम, मान लीजिए 1 kg 1 kg गैस की बात करते हैं, तो अगर उसका हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो ये देखा गया कि वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो उसको लिखेंगे कैसे, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन p, इस p को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो pv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, और ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर इक्वालिटी साइन लगाने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है, उसको कैपिटल k बोल दिया, तो pv इज इक्वल टू k वेयर k इज अ कांस्टेंट, ठीक है। अब यहीं पर इन्होंने ये चीज बोल दी कि अगर p अगर जो p है p1 और v1 ये इनिशियल स्टेट बोली गई प्रेशर और वॉल्यूम की, कि इनिशियल कंडीशंस में प्रेशर और वॉल्यूम मान लीजिए p1 और v1 है, और कुछ टाइम बाद एक स्टेट पहुंचती है वहां पर उसी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम बढ़कर p1 और p2 और v2 हो जाता है। तो क्योंकि ये बताया गया है कि एक स्टेट में अगर कोई एक वैल्यू दे रखी है प्रेशर और वॉल्यूम की, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए p1 v1, वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा, k के बराबर होगा। इसी तरीके से एक दूसरी स्टेट है वहां पर आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम है p2 v2, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो भी एक कांस्टेंट k के बराबर होगा। तो इस वजह से ये p1 v1 दोनों p1 v1 और p2 v2 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। मेरी बात समझ में आ गई सबको? सभी को क्लियर है? बताइए। यस सर। चलिए ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहीं पर एक इसका ना ग्राफ बनाएंगे हम कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ कैसा बनता है। इधर x एक्सिस पर ले लीजिए वॉल्यूम, जो y एक्सिस है यहाँ पर ले लीजिए प्रेशर, इन दोनों के बीच में ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। जब भी कोई जो दो चीजें जो है वो आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक चीज मान लीजिए वॉल्यूम बढ़ती जा रही है तो प्रेशर घटता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है तो आप देख रहे हैं प्रेशर घट रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पर ये लिख दीजिए T is constant, temperature जो है वो constant रहेगा। उसके बाद अगला law देखेंगे gases में हम, Chard's law। Chard's law में note करें, it states that if the pressure remains constant it states that if the pressure remains constant, comma, then the volume of a given mass of a gas states that if the pressure remains constant, then the volume of a given mass of a gas increases or decreases increases or
increases or decreases by 1 upon by 273.15 of its volume at 0 degree Celsius. That 273.15 of its volume at 0 degree Celsius for each 1 degree rise or fall in temperature. For each 1 degree Celsius rise or fall of temperature. देखिएगा यहां पर यह कहा गया है कि हमने यहां पर जैसे बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, इधर चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए अगर वॉल्यूम घटती है या वॉल्यूम बढ़ती है तो वो कुछ इस तरह से घटेगी या इस तरह से बढ़ेगी कि उसका जो नया वॉल्यूम होगा वो पुरानी वॉल्यूम का 1/273.15 पार्ट पुरानी वॉल्यूम का लेकर और उसमें ऐड हो जाएगी ओरिजिनल वॉल्यूम. देखो कैसे किस तरह से वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा. यहाँ नोट कर लें, लेट वी नॉट बी द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस. Let V naught be the volume of a given mass of a gas at 0 degree Celsius. At 0 degree Celsius, full stop. According to Charles law, its volume at 1 degree Celsius. Charles law, its volume at 1 degree Celsius, its volume at 1 degree Celsius is V1 is equal to V0 plus V0 upon 273.15. तो ये है कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा. हमने ये कहा कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका वॉल्यूम वी नॉट है तो अगर हमने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका जो नया वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा. पुरानी जो ओरिजिनल वॉल्यूम है ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273.15 यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम को 273.15 से डिवाइड करिए और जो ओरिजिनल वॉल्यूम था उसी में ऐड कर दो तो इतना बढ़ जाएगा उसका वॉल्यूम. ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि वो वॉल्यूम हमारा बढ़े ना वो घट जाए, ऐसा भी हो सकता है. तो उस केस में हमारी वी नॉट की वैल्यू हम नेगेटिव ले लेंगे. ठीक है, तो चार्ल्स लॉ ये कहता है कि जो भी ओरिजिनल वॉल्यूम है उसको 273.15 से डिवाइड करिए और फिर जो ओरिजिनल वॉल्यूम था उसको उसमें ऐड कर दो तो जो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस राइज पर यानी कि वो V नॉट कितने पर था 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम तो V1 क्या हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम तो वो ऐसे पता लग जाएगा. ये फॉर्मूला है इसका. फिर आप ये कहें कि इसी तरीके से हम ये अगर कहें कि वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 2 डिग्री सेल्सियस सो वॉल्यूम ऑफ द गैस
एट 2 डिग्री सेल्सियस। जब 1 डिग्री सेल्सियस के लिए निकाला था तो ओरिजिनल वॉल्यूम मैंने किसको लिया था, वी नॉट को। जब 2 डिग्री सेल्सियस के लिए निकालूंगा तो ओरिजिनल वैल्यू लूंगा वी वन को। देखिए ये हो जाएगा v2 इज इक्वल टू v1 प्लस एक मिनट रुक जाना बीजना, इसको नोट मत करना अभी, इसको नोट मत करना। तो 1 डिग्री सेल्सियस हमने वॉल्यूम फिर बढ़ाया, क्या है ये, क्या कहते हैं चार्ल्स लॉ, कि इट स्टेट्स दैट इफ द प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट देन द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273.15 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। तो हमने क्या करा कि V1 से इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और बढ़ा दिया। तो जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसका टेम्परेचर कितना था, वॉल्यूम कितना था, V1 था वॉल्यूम, ठीक। और ये किस तरह से राइज कर जाएगा, ये 1/273.15 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये इसमें ऐड हो जाएगा। जब ओरिजिनली वॉल्यूम वी नॉट था तब उसमें वी नॉट अपॉन 273.15 ऐड हो गया। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़कर, यानी कि वी नॉट से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो V1 हो गया वॉल्यूम। इसी तरीके से अब जब मेरा इनिशियल वॉल्यूम V1 है तो V1 से बढ़कर वो V2 हो जाएगा, लेकिन V1 में क्या ऐड होगा, यही वी नॉट अपॉन 273.15। तो ये वी नॉट जो है ये सेम रहने वाला है, क्योंकि इन्होंने बोला इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाई 1/273.15 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, और वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, वी नॉट है। तो उस केस में भी हमारे पास यही आ गया। फिर मैं क्या करूंगा, अगर मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, जब मैं V1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से डाल दूंगा यहाँ पर, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, ये बताइए पहले, यहाँ तक बताइए, यहाँ तक सब क्लियर है, ठीक है। रुद्रांश, राखी, पार्थ, नव्या, कनिष्क, यस सर, यस सर, आर्यन, अंशित, अभिनव, क्लियर है, यस सर, चलिए ठीक है। अब आगे चलते हैं जरा, ये V1 है तो V1 की वैल्यू यहां से आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू V0 प्लस V0 अपॉन 273.15, ये तो हो गई वैल्यू, ये पूरी वैल्यू हो गई V1 की, और फिर लास्ट में V0 अपॉन 273.15 था ही। V0 अपॉन 273.15 तो एज इट इज आ गया, और ये जो V1 है, इस V1 की वैल्यू ये है V0 प्लस V0 अपॉन 273.15, ये मैंने यहां से इसमें वैल्यू डाल दी। अब क्या करेंगे, V2 is equal to V0 plus 2V0 upon 273.15. और V2 is equal to V0 common ले लीजिए,
माइनस 273.15, 1 प्लस 2 अपॉन 273.15, ये हो गया। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमने वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 2 डिग्री सेल्सियस निकाला, वो हो गया V2, है ना। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें, मान लो V1 की वैल्यू हम देखें, तो V0 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, V0 अगर कॉमन ले लेते हैं बेटा तो ये ऐसे हो जाएगा V0 into 1 plus 1 upon 273.15, एक ही बात है भाई, यहाँ भी V0 है यहाँ भी V0 है, कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो इससे इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से मैं ये कह सकता हूँ देयरफॉर volume of a gas at T degree Celsius, therefore volume of a gas at T degree Celsius पर किसी भी गैस का volume क्या हो जाएगा भाई, 1 था तो यहाँ पर 1 upon 273.15 आ गया, 2 था तो यहाँ पर 2 upon 273.15 आ गया, तो T है तो क्या हो जाएगा, VT is equal to V0 और bracket में 1 plus T upon 273.15 VT, ये हो गया। और एलसीएम ले लो, V0 as it is, एलसीएम लिया तो ये आ गया 273.15 plus T upon 273.15, तो ये VT is equal to V0 into this, इसको आप बोलिएगा इक्वेशन नंबर, उसको 1 बोला था, इसको 2 बोला था, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। फिर आप कहें इफ T नॉट एंड T आर टेम्परेचर्स ऑन केल्विन स्केल, इफ कैपिटल T नॉट एंड T आर टेम्परेचर्स आर टेम्परेचर्स ऑन केल्विन स्केल corresponding to 0 degree Celsius and T degree Celsius, corresponding to 0 degree Celsius and T degree Celsius, then corresponding to 0 degree Celsius and T degree Celsius, then T naught is equal to zero plus 273.15। याद रखिए जब भी कभी मैं ऐसे कहता हूँ ना कि कोई भी मेरे पास कोई भी हमारे पास कोई टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर में अगर हम 273.15 ऐड कर देते हैं, कोई भी टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में, उसमें अगर हमने 273.15 ऐड कर दिया तो वो टेम्परेचर आपका कॉरेस्पॉन्डिंग केल्विन स्केल में वो टेम्परेचर हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस को मैं केल्विन में क्या बोल सकता हूँ, 0 प्लस 273.15। इसी तरह से टेम्परेचर एट स्मॉल टी को आप यही बोल दीजिए, टेम्परेचर एट टी डिग्री सेल्सियस को हमने बोल दिया, T डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को कैपिटल T बोला है सिंपली,
तो कैपिटल टी इज इक्वल टू टी प्लस 273.15 सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन थ्री, इन वैल्यूज को इक्वेशन थ्री में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ऊपर वाला क्या है टी प्लस 273.15 यानी कि कैपिटल टी है ऊपर वाला, तो वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इन टू कैपिटल टी, और नीचे वाला क्या है 273.15 यानी कि 0 प्लस 273.15, तो उसको क्या बोल सकते हैं टी नॉट, तो वी नॉट इन टू टी अपॉन टी नॉट, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इन टू टी अपॉन टी नॉट। फिर यहां से कैपिटल टी को इधर ले आओ, तो वी टी अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन टी नॉट। ये जो वी टी है ये क्या है, वॉल्यूम एट टेम्परेचर टी, और ये जो कैपिटल टी है ये क्या है, टेम्परेचर एट स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस। ये वी नॉट क्या है, वॉल्यूम एट जीरो डिग्री सेल्सियस, और टी नॉट क्या है, टेम्परेचर एट जीरो डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे P1V1 is equal to P2V2 था, इसी तरीके से एक तरह से देख लो V1T1 upon V2T2 है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं V upon T is equal to constant, V upon T is equal to constant, that is V is equal to T into constant, और constant को अगर हटाना हो, जैसे जैसे proportionality sign हटाते हैं तो एक constant आ जाता है, constant को हटाएंगे तो proportionality sign आ जाएगा, V is directly proportional to T। तो charge law ये कहता है कि अगर किसी gas के pressure को constant रखा जाए तो volume और temperature एक दूसरे के directly proportional होते हैं। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये हमारा चार्ल्स लॉ हो गया। बताइए जी, क्लियर है? यस क्लियर है। अब जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन बनता है, और इधर ले लीजिए वॉल्यूम। ग्राफ बिटवीन वी एंड टी, ब्रैकेट में लिख दीजिए चार्ल्स लॉ। ठीक है जी, तीसरा लॉ लिखेंगे गे लुसाक्स लॉ। ये लुसाक्स लॉ, ठीक है? बस एक मिनट वेट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ, फिर करवाता हूँ उसको। Recording stopped.
इसमें नोट करेंगे, इट स्टेट्स दैट रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस. It states that if the volume remains constant, तो आप volume constant रहेगा. It states that if the volume remains constant, the pressure of a given mass of a gas it states that if the volume remains constant, the pressure of a given mass of a gas increases or decreases by one upon 273.15 of its pressure at 0°C. For each 1 degree rise or fall of temperature. For each 1°C rise or fall, rise or fall of temperature. अब आप देखिएगा कि इसमें ना आप ये देखिएगा कि यहां पर जो ये गेरुसाक लॉ है, गेरुसाक लॉ में आपको कुछ भी ऐसा नया नहीं लगेगा. जैसे चार्ल्स लॉ था ना, बिल्कुल चार्ल्स लॉ जैसा ही है. चार्ल्स लॉ में हमने क्या कहा था कि हमने चार्ल्स लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया था और फिर ये कहा था कि वॉल्यूम जो है वो कुछ इस तरह से बढ़ेगी कि जो 0°C पर वॉल्यूम है उसकी, उसका 273.15 टाइम्स आप करो, ठीक है, उसका 1/273.15 टाइम्स करो और उसको ओरिजिनल वॉल्यूम में यानी कि 0°C वाली वॉल्यूम में ऐड कर दो. तो अगला 1° राइज पर जो वॉल्यूम मिलेगा यानी कि V1 वाला मिल जाएगा. ऐसे ही अगर V2 कैलकुलेट करना है तो V1 यानी कि वॉल्यूम एट 1°C और V2 वॉल्यूम एट 2°C, तो 1°C राइज होने पर वॉल्यूम क्या मिलेगा, V2 इज इक्वल टू V1 प्लस वही टर्म V0 अपॉन 273.15. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. तो जिस तरह से चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम वेरी कर रहा था उसी तरीके से यहाँ गेरुसाक लॉ में प्रेशर वेरी करेगा. देखो कैसे, और डेरिवेशन भी बिल्कुल इसका ये सेम है. जैसे हमने V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T दिखाया, तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा. ठीक है, कैसे करेंगे देखो, बिल्कुल वही है जैसे पहले करा था. इफ P0 एंड PT आर द प्रेशर्स ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, if P0 and PT are the pressures of a given mass of a gas, pressures of a given mass of a gas are the pressures of a given mass of a gas at 0°C and T°C respectively, then according to Gay-Lussac's law,
then according to Gay-Lussac's law, PT is equal to P naught into 1 plus T upon 273.15, which implies that PT is equal to P naught into अंदर LCM ले लीजिए तो ये हो जाएगा 273.15 plus T upon 273.15 ये हो गया। तो हम ये कहेंगे कि T is equal to T plus 273.15 and T naught is equal to 0 plus 273.15 where T and T naught are Kelvin scale temperatures. Corresponding to Kelvin scale temperatures corresponding to T degree Celsius and 0 degree Celsius respectively. Therefore, PT is equal to ये जो T plus 273.15 है ये हो गया capital T और 0 plus 273.15 मतलब 273.15 ये क्या हो गया T naught, तो PT is equal to P naught into T upon T naught। अब capital T को इधर ले आओ, PT upon capital T is equal to P naught upon T naught। ये है प्रेशर एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, ये है टेम्परेचर एट टेम्परेचर इन केल्विन स्केल एट टेम्परेचर T डिग्री स्मॉल T डिग्री सेल्सियस, प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस। इट इंप्लाइज दैट P upon T इज अ कांस्टेंट। इट अगेन इंप्लाइज दैट T को इधर ले जाइए तो P is equal to T into constant। इस constant को हटाएंगे तो equality sign हटकर proportionality sign आ जाएगा। It implies that P is directly proportional to T। ये आपका हो गया Gay-Lussac law। Gay-Lussac law यहां प्रेशर दिखा दीजिए x एक्सिस पर और y एक्सिस पर टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसा बढ़ता हुआ इसमें ये ग्राफ होगा p वर्सेस t ग्राफ। Gay-Lussac's law, ये तीन लॉज हो गए जो गैसेस में मेरे को इस पूरे चैप्टर में थ्रू आउट मेरे को ये तीनों लॉज काम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट नोट करें, परफेक्ट गैस इक्वेशन,
परफेक्ट गैस इक्वेशन, नोट करिए, दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन gives the this equation gives the relationship between pressure P, volume V, pressure P, comma volume V and pressure P, volume V and absolute temperature capital T of a gas. And absolute temperature capital T of a gas. Full stop. The equation is, ये वही इक्वेशन है जो हमने ना लास्ट वाले चैप्टर में भी दो तीन डेरिवेशंस में यूज करी थी. द इक्वेशन इज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, वेयर स्मॉल एन ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस and capital R is universal gas constant. capital R is universal gas constant. ठीक है, इतना कर लीजिए. perfect gas equation का derivation भी है, वो कल की क्लास में देखता हूँ. और कल वही आप शाम को 6 या 6:30 बजे तक एक बार चेक कर लेना कि अगर मैं एक्स्ट्रा क्लास ले पाऊंगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा. और एक्स्ट्रा क्लास का टाइम वही रखूंगा रात को 9:15 बजे. ठीक है. Recording stopped. तो देख लीजिएगा, बाकी सभी को क्लियर है ना ये तीनों लॉज़.